भाई 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 राइडर, ओए आ गया भाई, बंदा बाहर आ गया। गॉड, हाँ पैर तो दोनों ही खत्म हो गए। इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप आप सब सही होंगे। और बहुत दिनों बाद आज मैं वापस से राइड कर रहा हूँ यार। भाई मेरी ना नींद नहीं खुल रही थी, और मैं ना अभी जब तक मैंने बाइक स्टार्ट करी मैं तब तक आज नींद में था, बट लेकिन जैसे बाइक स्टार्ट हुई है ना भाई, सब नींद भी उड़ चुकी है और पूरी आगे खुली हुई है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बद्रास टेम्पल फॉर 15 आवर्स राइड, एंड मेरे जो सभी साथी के राइडर्स हैं वो आ गए हैं। ग्लव्स मैं आज भी कैरी कर रहा हूँ, वही पहनूंगा थोड़ी देर में। एक बार ये हाईवे वाला पैच खत्म हो जाए फिर आगे पहन लूँगा पहाड़ों में। एंड अभी आगे लैंड स्लाइड हो रखी है माउंट में। कल भी मैं देहरादून से ही आया था वापस, तो लैंड स्लाइड बहुत ज़्यादा मिली थी उनको भी, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट भी निकला हूँ कि वो लोग मुझे वहाँ मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। एंड आगे भाई पीछे बैठे हैं मेरे साथ ही जा रहे हैं यार। यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं और जाम भी बहुत लग रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि इधर से ट्रक्स आते हैं फिर इधर को घूमते हैं। आई थिंक वही हुआ है, चिपक गया है कुछ ट्रक ट्रक ना, कुछ तो हो गया। ओ भाई 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 राइडर, ओए भैंस की टांग। अंदर अंदर ये क्या बंदा छिचका हुआ है बीच में उसके। हाँ इसमें लगा हुआ तो मैंने देख लिया। चल 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 खेच खेच कर ले, खेच कर ले, ओ चढ़ जाओ इसमें। हो गया सीधा हो गया। आ गया भाई बंदा बाहर आ गया। गॉड, हाँ पैर तो दोनों ही खत्म हो गए। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो भाई हमें एक राइडर मिल चुका है। गाइस जब एक्सीडेंट हुआ ना तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि हमारे किसी राइडर का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। खैर बुरा तो ये भी हुआ ही है कि एक हमारे जो एक्सपेंस को गुड्स को इधर उधर करते हैं सब लोग ट्रैवल कराते हैं, उसका एक बंदा एक्सीडेंट हो गया। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो बच गया है, उसकी सिर्फ पैर ही डैमेज है, एक पैर तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, होपफुली ठीक हो जाएगा। लेट्स रोल, पकौड़ी खा ली है, चाय पी ली है, अब अपना जहाज स्टार्ट करेंगे। अब बारिश आने वाली है बिल्कुल। Crazy!
दो सुपर बाइक मिल के ऐसी लाउड हो रखी है ना, फिलहाल मजा आ गया है सच में। इसका थोड़ी नहीं है। गाइस टनल आ गई है और हम दो सुपर बाइक वाले हैं, टनल आ गई है और आज मेरी बाइक में भी एग्जॉस्ट है। टनल देखो सब भाई, सभी आंखें हमारे ऊपर हैं। नाउ वी आर ऑन द मेन रोड गाइस, राइट टू मसूरी। DIT ऑन माय लेफ्ट। भाई को एक बार दोबारा से आवाज सुना देते हैं, देन वी आर ऑल सेट टू मूव। चलो भाई चलो। तो गाइस आशु भैया अभी आगे निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बद्रास टेम्पल तक, और आशु भैया बद्रास टेम्पल तक नहीं जाएंगे, वो ऋषिकेश जाएंगे, उनको कुछ और काम भी है आज, बट हम लोग निकल रहे हैं। राइडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया फास्टेस्ट राइडर। अब उन्होंने एक नई बाइक ले ली है एक्सपल्स, उस पर हैं वो अनुभव भैया। खैर उनसे फटाफट चल के आपसे मिलवाता हूँ, वही मैं तो मिल चुका हूँ। लो भाई लो, पहले झंडे का मजा ले लो आप। लो गाइस हैव फन, ब्यूटीफुल झरना, वेरी नाइस। ये कवर है भाई, ये रेनु भैया। ब्यूटीफुल व्यू गाइज, लुक एट दिस व्यू, ये व्यू, ये ब्यूटी, और आपका भाई इस ब्यूटी को राइड करते हुए यहाँ पर। वाह वाह बहुत बढ़िया यार, मेरी तो ब्लॉगिंग स्किल्स ही खोस ही गई, इतना टाइम हो गया ब्लॉगिंग किए हुए। और भाई मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा गायब था, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यार लाइफ में ना बहुत चीज़ें मतलब उथल पुथल सी हो गई थी बीच में, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आगे एजुकेशन में करना क्या है। तो अभी क्या फाइनलाइज हो चुका है सब कुछ, इससे अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं बताऊंगा आखिर लाइफ में चल क्या रहा था और चल क्या रहा है, और मैं कहाँ था इतने लंबे टाइम से, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ है, जो भी है Q&A सेशन करेंगे अगली वीडियो में। एंड आज की राइड करते हैं कंप्लीट, आज हम जा रहे हैं बद्रास टेम्पल, शायद मैंने इससे पहले ही बता दिया होगा। और मैं आशु भैया के साथ राइड कर रहा था सुबह, आशु भैया मैगी पॉइंट से वापस चले गए थे क्योंकि उन्हें कुछ काम भी था, आई थिंक मैंने आपको बता दिया ये भी। बट अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, और पीछे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, रवि भैया हैं, अनुभव भैया मेरे साथ हैं, एक आशीष भाई हैं और एक और हैं भैया, हम सब जा रहे हैं अभी, और रजत भैया हमको लीड करते हुए। भाई मज़ा इसी ग्रुप में आता है, रजत भैया, रवि भैया, अनुभव भैया, भाई बस मैं तो इसी में खुश हूँ।
गाइस नाउ दिस इज द व्यू मैन, दिस इज द व्यू। ये देखना है आज मैं यहाँ पे इतनी दूर भाई, वो नहीं इधर देखो यार, ये सब नहीं भाई, नहीं मेरी मम्मी भी ये ब्लॉग देखती है गाइस। नहीं मॉम, आई एम रियली वेरी सीधा बच्चा। गाइस व्यू चेक, हाँ सब आ जाएंगे ना, फिर चलते हैं, बस रुकना नहीं है गाइस। अभी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, दिस इज द पैच। ये तो कुछ भी ऑफ रोड नहीं है भाई, वैसे मैं तो चिल्ला के अंदर भी ले जा चुका हूँ ये वाली बाइक। एक पीलियन भाई मेरे साथ आ चुका है और बहुत स्टीप चढ़ाई है, और भाई शेर नहीं भाई, पता भी नहीं लग रहा इसको तो। बट अभी भाई एक्सपल्स पे जाना, तो एक्सपल्स पे थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता, तो इसीलिए ये तो बड़ा खतरनाक है। उठ होगी होगी पार होगी, नीचे लग जाता ना भाई, तो वो सब देखना पड़ता है। एक्सट्रीम होता जा रहा है पैच, पूरे में काई जमी हुई है और बीच में ऑफ रोड जा रहा है, बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ज्यादा स्टीप। अब तो पूरा रोड ही खत्म हो गया, अभी कीचड़ हो रखा है पूरे में, मिट्टी है, गीली मिट्टी, कीचड़, भैंस की टांग भाई। लो एक्सपल्स वाली ऑफ रोडिंग करवा दिया आज तो 900 से पीलियन के साथ गाइस। ओ भाई मैं, मेरे टायर टूर टायर फट जाएंगे भाई मेरी बाइक के, रुक जाओ। भाई साहब नेक्स्ट लेवल मजा आ गया। हेमांग फोन तो नहीं आते रात में, मुझे पकड़ के बैठ, झंडा छोड़ दिया चाहे, अगर गिरन लगी ना बाइक तो कूद पे पैर पैर टेक लिए पैर, बहुत ज्यादा। बैटरी डेड हो चुकी है और वायर देखो एक बार, प्रॉपर ऑफ रोड है अभी जो मैंने आपको दिखाया, और अभी ना आगे से बाइक उतारनी है नीचे, वो आपको दिखाता हूँ। चल भैया